खीमपुर खीरी में बिल्कुल वही उत्सव है। आप देख सकते हैं कि सभी धर्म जाति मजहब के लोग जुटकर इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को यादगार बनाने में जुटे हुए हैं। और शायद यही रामराज की अवधारणा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ एक प्रेम से रहें। लोग कहते थे कि रामराज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, इससे मतलब होता है कि सारे लोग सामंजस्य के साथ एक साथ रहें। और वही सामंजस्य आज लखीमपुर खीरी की सड़कों पर महोत्सव के रूप में दिख रहा है। धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, लेकिन मन में उत्साह केवल और केवल प्रभु श्री राम के उत्सव को लेकर। आइए, यहाँ सिख समुदाय के कुछ भाई लोग जो सुबह से लंगर में लगे हुए हैं, और लंगर के लिए तो वैसे भी ये समुदाय जाना जाता है, इनको बस बहाना चाहिए कि लंगर शुरू किया जाए। भाई साहब, आज जो है क्या कुछ उत्साह है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? जय श्री राम। अब बिल्कुल ये परंपरा है सिखों की लंगर की, तो आज खुशी का मौका है। आज श्री राम जी अपने स्थान पर 500 साल बाद स्थापित हुए हैं, तो उसी खुशी में ये लंगर का प्रसाद यहाँ वितरण किया जा रहा है, और ये शाम तक अभी 7 बजे तक चलेगा। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में और प्रसाद लखीमपुर खीरी में वितरित हो रहा है। आइए और भी सिख भाई हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरीके का उत्साही माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है, और हम सब लोग सेवा में लगे हुए हैं, जो हम लोगों की एक परंपरा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। वाकई में यही वो परिदृश्य है जिसके लिए प्रभु श्री राम रामराज जाना जाता है, कि रामराज का मतलब ही यही है कि हर व्यक्ति जो है एक ही मनसा यानी भाईचारा, सद्भावना और मोहब्बत कायम रहे, और वो मोहब्बत आज लखीमपुर खीरी में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उत्सव के रूप में दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, लोग जो है भंडारे में लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं कि क्या किस कैसा माहौल है, माथे पर श्री राम, दिल में जो है श्री राम की विचारधारा, और लबों पर वाहे गुरु वाहे गुरु, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, आज का ये माहौल, दिन में होली और रात में दीपावली मनाई जा रही है, चारों तरफ राम की गूंज, राम राज्य के प्रतीक्षा में लोग, और ये हमारा सिख समुदाय आज जो हमेशा से ही फेमस है बांटने के लिए, और गुरु जी की कृपा रहती है हम पे कि हम राहगीरों को सभी की खुशियों में शामिल हो। बिल्कुल, बोलो। ऐतिहासिक दिन है और बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, सरकार और सभी लोगों से मिलने बहुत ही ऐतिहासिक दिन बना दिया गया। 500 वर्षों बाद राम जी आए हैं, अपने अयोध्या में विराजे हैं, हर दिल में विराजे हैं, इसलिए एक बार जोर से सारे हम बोलेंगे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, लबों पे जय श्री राम। 500 साल बाद आज हमारे लिए भी एक युवा आगे बढ़ने के लिए, हम लोग के लिए तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो हम लोग ने देखा है, और देश को आगे बढ़ाते चलेंगे इसी उम्मीद के साथ। जय श्री राम। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, यूथ आइकान कहे जाते हैं, और युवाओं के लिए बड़ी अपने आप में ये आज उत्सव जैसा दिन है कि प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजने जा रहे हैं। यही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो उत्सव रूपी माहौल है लखीमपुर खीरी में आज दिख रहा है, वाकई में वो महोत्सव है जिसको हर व्यक्ति अपने जीवन में यादगार बनाने के लिए लगा रहा हुआ है। और इस कड़ी में सभी समुदायों के साथ में आप देख सकते हैं कि गोविंद सिंह चौक पर सिख समुदाय के लोगों का ये उत्सव रूपी लंगर रामलला की प्राप्ति के अवसर पर सुबह से अनावरत चल रहा है। लक्ष्मी पोस्ट, गोपालगिरी।